नमस्कार दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून NRC विरोध और दिल्ली मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को झटका दिया है। पोस्टर मामले पर यूपी की योगी सरकार को नोटिस थमाया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि RTI में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हरियाणा के CM और हरियाणा के गवर्नर के पास और कई मंत्री के पास नागरिकता के सबूत नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि यस बैंक के खाता धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है, जिसका ऐलान खुद यस बैंक ने किया है। दोस्तों, क्या कुछ है इस बड़ी खबर में आपको विस्तार से बताएंगे जरूर, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि क्या संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA देश हित में नहीं है, क्या इस कानून को वापस ले लेना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, पहली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, अब नागरिकता कानून को लेकर उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को झटका दिया है। आरोपियों को पोस्टर लगाने पर हाई कोर्ट नाराजगी जताते हुए योगी सरकार को नोटिस थमा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नागरिकता कानून को लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर योगी सरकार के एक्शन का इलाहाबाद हाई कोर्ट को नागवार गुजरा है। प्रशासन द्वारा हिंसा के आरोपियों का पोस्टर लगवाने के मामले को चीफ जस्टिस गोविंद ने स्वतः संज्ञान लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मसले पर योगी सरकार को नोटिस भी जारी करते हुए पूछा है कि किस नियम के तहत आरोपियों का पोस्टर लगाए गए। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और DM को कोर्ट में तलब किया है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की डिविजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। बता दें कि पिछले साल 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा हुई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ था। इसी हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के CM योगी ने दंगाइयों से वसूली का ऐलान किया था। साथ ही कई जिलों में वसूली के नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिसके खिलाफ लोग अदालत भी पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि 76 साल के पूर्व IPS अधिकारी श्रवण राम, सामाजिक कार्यकर्ता सदब जाफर, कलाकार दीपक कबीर सहित एक वकील और 57 लोगों के लखनऊ हिंसा में जिम्मेदार बताते हुए प्रशासन ने जगह जगह पोस्टर लगाए थे। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी बताते हुए 1,55,00,000 रुपए हर्जाना भरने के लिए कहा गया था और ऐसा करने पर उनकी संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली मामले को लेकर करीब 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई आरोपियों से करने का फैसला लिया था। इसी फैसले के तहत चौराहों पर हिंसा करने वाले के पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में आरोपियों के नाम पते भी लिखे गए हैं। अब इसी पर आपत्ति जताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही लखनऊ के DM और पुलिस कमिश्नर को तलब करते हुए पूछा है कि किस कानून के प्रावधान के तहत लखनऊ में इस प्रकार के पोस्टर सड़क पर लगाए गए हैं। तो ही आपको बता दें, अब RTI में बड़ा खुलासा हुआ है। हरियाणा के CM और उनके कई मंत्री सहित हरियाणा के गवर्नर के पास नागरिकता के सबूत नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्य के कई मंत्री के पास नागरिकता सबूत नहीं है। सूचना का अधिकार RTI कानून के तहत खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री सचिवालय शाखा के पास CM मनोहर लाल खट्टर और उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों और राज्यपाल की नागरिकता से जुड़े कोई सबूत नहीं है। इसका खुलासा एक RTI में हुआ है। पानीपत के एक RTI कार्यकर्ता PP कपूर ने इस संबंध में RTI लगाई थी। इस RTI में उन्हें जो जवाब मिला वह काफी हैरान करने वाला था। आपको बता दें कि PP कपूर ने मुख्यमंत्री सचिवालय हरियाणा में 20 जनवरी 2020 को RTI लगाई थी। इसमें जानकारी मांगी गई थी कि हरियाणा के राज्यपाल CM मनोहर लाल और इनके सभी मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्रियों के नागरिकता प्रमाण पत्र भारतीय नागरिक होने के सबूत के रिकॉर्ड की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री सचिवालय के राज्य जन सूचना अधिकारी एवं अधीक्षक पूनम राठी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उनकी शाखा के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। उनके द्वारा मांगी गई जानकारी निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध हो सकती है। ऐसे में इस बारे में निर्वाचन आयोग से पत्राचार करें। आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार प्रसार के दौरान मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि वे हरियाणा में NRC लागू करेंगे, लेकिन अब उन्हीं के नागरिकता पर सवाल उठने लगे हैं। PP कपूर द्वारा मांगी गई RTI जानकारी में हरियाणा सरकार में शामिल कई मंत्रियों के नागरिकता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अबेस बैंक के खाता धारकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अबेस बैंक के खाता धारक अब किसी भी ATM से पैसा निकाल सकते हैं, इसका ऐलान खुद यस बैंक ने किया है। आपको बता दें कि संकट में फंसे
येस बैंक के खाता धारकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। खबर के मुताबिक अब येस बैंक के खाता धारक यानी अकाउंट होल्डर बैंक के साथ साथ अन्य बैंकों के किसी भी एटीएम से भी कैश निकाल सकते हैं। इस बारे में खुद येस बैंक ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए येस बैंक ने लिखा है कि अब येस बैंक के खाता धारक अपने डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक के एटीएम से निकासी कर सकते हैं। इस ट्वीट में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और वित्त मंत्रालय को भी टैग किया गया है। येस बैंक के इस ऐलान के बाद लोगों में खुशी देखी जा रही है, क्योंकि लोग होली जैसे बड़े त्योहार को लेकर काफी परेशान थे। अब येस बैंक ने अपने खाता धारकों का इस तरह के परेशानियों को दूर कर दिया है। अब आप किसी भी एटीएम से किसी भी बैंक के एटीएम से निकासी कर सकते हैं। हालांकि यह निकासी लिमिट 50,000 की है। बता दें कि 6 मार्च को नकदी के संकट से जूझ रहे येस बैंक पर पाबंदी लगाते हुए आरबीआई ने निकासी की सीमा तय कर दी थी। आरबीआई के इस आदेश के बाद बैंक से ग्राहक 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते। आरबीआई के मुताबिक फिलहाल यह रोक 5 मार्च से 3 अप्रैल तक लगी रहेगी। हालांकि 3 अप्रैल के बाद क्या होगा इसकी जानकारी अब तक आरबीआई ने नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि 3 अप्रैल के बाद निकासी सीमा की लिमिट हटा दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय के बाद अब सीबीआई भी येस बैंक के मामले की जांच करने जा रही है। इस बाबत सीबीआई के अधिकारी वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई इस मामले में प्राथमिक जांच शुरू कर सकती है या फिर अलग से एक एफआईआर दर्ज कर जांच कर सकती है। हालांकि पहले ही येस बैंक फ्रॉड मामले में येस बैंक के फाउंडर राणा कपूर को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है और उनसे पूछताछ जारी है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, अब दिल्ली मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुनवाई करते हुए इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में भेज दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली मामले में भड़काऊ भाषण से जुड़े अलग अलग मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को बड़ा आदेश दिया है और कहा है कि इस सभी मामले की सुनवाई 13 अप्रैल की जगह 12 मार्च को करें। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपना जवाब देने के लिए 12 मार्च तक का वक्त दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले इस मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को होनी थी। हाई कोर्ट में जिन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है उनमें भड़काऊ भाषण और बयान देने के आरोपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि इन याचिकाओं में जहां एक याचिका में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और भारतीय जनता पार्टी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है, तो वहीं एक और अन्य याचिका में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मीम के अध्यक्ष ओबैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओबैसी, वारिस पठान और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। इस याचिका में इन सभी नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भड़काऊ भाषणों के जरिए जनता को भड़काया था, जिसकी वजह से दिल्ली में इस तरह की घटना हुई थी। इसके अलावा इसी तरह से दो और याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, जिनमें से एक में भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने और दूसरे में दिल्ली मामले में पीड़ित लोगों को इलाज मुहैया कराने जैसे मांगों का जिक्र किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मेरे पास जन्म के प्रमाण पत्र नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शनिवार को राज्य के विधानसभा में खुलासा किया कि उनके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो ऐसे में वह अपने पिता के कागजात कहां से लाएंगे। सीएम ने यह बात राज्य विधानसभा में इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कही है कि नागरिकता पर नागरिकों पर CAA, NRC और NPR जबरन क्यों थोपी जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि जब मेरे खुद के पास जन्म के प्रमाण पत्र नहीं है तो मैं अपने पिता का प्रमाण पत्र कहां से लाऊंगा। उनका कहना है कि मैं जिस गांव में जन्म हुआ हूं वहां पर कोई हॉस्पिटल भी नहीं था। उन दिनों बर्थ सर्टिफिकेट का कोई मसला भी नहीं हुआ करता था। जब मुझसे अपने और पिता के सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तब क्या मुझे मर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए भी चिंता की बात है। मैं गांव में अपने घर पर पैदा हुआ था, उस वक्त वहां कोई अस्पताल नहीं थे। उनका कहना है कि गांव के बुजुर्ग ही जन्म नामा लिखते थे जिस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं होती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मैं पैदा हुआ था तो हमारे पास 580 एकड़ जमीन थी और एक इमारत भी थी। जब मैं अपना जन्म प्रमाण पत्र पेश नहीं कर पा रहा था तो दलित, आदिवासी और गरीब लोग कहां से जन्म प्रमाण पत्र लाएंगे। उन्होंने कहा कि संविधान देश के हर नागरिक को बराबर अधिकार देता है। यह कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। आप एक खास धर्म के साथ कैसे भेदभाव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य समाज ऐसे कानून को बर्दाश्त नहीं करेगा जो ऐसा भेदभाव करे। उनका कहना है कि आज संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया भर में इस कानून को लेकर चर्चा हो रही है। हम सब इस देश का हिस्सा हैं और शांत नहीं रहेंगे। हम अपनी सीमा में रहकर जो कर सकते हैं वह करेंगे और किसी से भी नहीं डरेंगे। तो ही आपको बता दें, अब मिशन गुजरात में कांग्रेस जुट गई है। अब 27
दिनों की लंबी पद यात्रा करेगी। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। एनआई की खबर के मुताबिक अपनी चुनावी रणनीति के चलते कांग्रेस दांडी मार्च की 90वीं वर्षगांठ पर 12 मार्च को गांधी संदेश यात्रा की शुरुआत करेगी। बताया जाए कि 27 दिन की यात्रा अहमदाबाद से शुरू होगी जो 6 अप्रैल की दांडी में खत्म होगी। खबर के मुताबिक यात्रा में कांग्रेस की अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सियासी भवन में फंसी कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी नेताओं के खिलाफ आक्रामक हो गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सियासी भवन में फंसी कांग्रेस अब पलटवार में भारतीय जनता पार्टी नेताओं के खिलाफ और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है। इसी कड़ी में शनिवार को भाजपा विधायक संजय पाठक के बांधवगढ़ के रिसोर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया गया। पूर्व गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह की संपत्तियों की छानबीन शुरू कर दी गई। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि अन्य नेताओं और पूर्व मंत्रियों के खिलाफ फाइलें खोली जा रही है। गौरतलब है कमलनाथ सरकार ने ज्यादातर भाजपा नेताओं की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को हटा दिया है। कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप झेल रहे नरोत्तम मिश्रा पर ईओडब्ल्यू ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। विधायक संजय पाठक ने अपनी जान का खतरा बताकर कमलनाथ सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, जिसको लेकर शनिवार को उनके बांधवगढ़ स्थित रिसोर्ट पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। इसके पहले कोर्ट के आदेश पर उनके एक आयरन खदान भी सील कर दी गई थी। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।